कि हम मरने के बाद की ज़िंदगी को याद करें, जो यकीनन है। आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट आ जाए कि आपका घर जिस एरिया में है, गवर्नमेंट वो एरिया को, पूरी एरिया को खाली कर रही है और आपको दूसरे एरिया में शिफ्ट कर रही है, वहाँ पे घर मिलेंगे आपको, तो क्या आप जाएंगे या नहीं जाएंगे मालूम करने के घर दे रहे हैं तो कहाँ दे रहे हैं भाई, कौन सी एरिया में दे रहे हैं, कैसी एरिया है, कैसी फैसिलिटीज़ है, कौन सा इलाका है, आप मालूम करेंगे या नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे, कोई भी इंसान करेगा। तो ये तो मिसाल थी, ये हकीकत नहीं है। अब हकीकत बताना चाहता हूँ। हकीकत ये है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि हमारा एड्रेस चेंज होने वाला है, हमारा पता बदलने वाला है, और दुनिया से निकलने के बाद दो पते हैं, दो में से एक डेस्टिनेशन आपका और मेरा होने वाला है, और वो दो जगहें कौन सी हैं? एक है जन्नत अगर नेकियों का पलड़ा भारी निकला, और दूसरा है जहन्नम अगर बुराइयों का पलड़ा भारी निकला। अब जिस तरह से दुनिया में आप कंसर्न्ड है कि अगर आपका एड्रेस बदलने वाला है, चेंज होने वाला है, तो आप दूसरे एड्रेस जो होने वाला एड्रेस है आपका, उसके बारे में मालूमात तो हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे? जिस तरह से आप दुनिया में कंसर्न्ड है, क्या हम सबको आखिरत के मुतालिक फिक्रमंद नहीं होना चाहिए कि मेरा जो एड्रेस होने वाला है फ्यूचर का, जो मेरा पता होने वाला है, जो मेरा मकाम और मेरा डेस्टिनेशन होने वाला है, जहाँ मुझे आगे की ज़िंदगी बितानी है, वो जगह कैसी है? तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होमवर्क ये है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ, वो ये है कि जन्नत कैसी है मालूम कर लो, जन्नत कैसी है मालूम कर लो, और जहन्नम भी कैसी है मालूम कर लो, ताकि सही फैसला ले सकेंगे, जहाँ जाना है उस मुताबिक अमल भी कर लें।